यहाँ पे मैं आया था और जो मंदिर का दर्शन है वो हो गया। अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा धनुषकोडी। तो चलते हैं और रूम पे और बताते हैं फिर मंदिर के अंदर का हाल क्या सब है और नहीं है। चलो यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, यहाँ पे इडली और पूरी ऑर्डर किए हैं वो आ गया और खाते हैं और खाने का मज़ा लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। अब ये है यहाँ का खाना जो अभी आया है ब्रेकफास्ट, और ये है यहाँ का दुकान। चलो खाते हैं और पेट का भूख मिटाते हैं। हाय गाइज, तो मैं अभी जस्ट आया हूँ रामेश्वरम टेम्पल का दर्शन करके, और उसके बाद मैंने फिर ब्रेकफास्ट किया और उसके बाद मैं अभी रूम पे आया हूँ, और जो बाकी का सामान है वो मैं यहाँ से लूँगा और इसके बाद फिर मैं निकलूँगा यहाँ का जो बाकी प्लेसेस है वो सब देखने के लिए, जैसे पंचमुखी, हनुमान टेम्पल, धनुषकोडी। तो चलिए चलते हैं सारे प्लेसेस को विजिट करने के लिए। और यहाँ पे जो टेम्पल के अंदर में है, अंदर में आप अगर किसी तरह से मोबाइल अंदर ले गए तो फिर वहाँ पे जो है आप पिक्चर सब क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अंदर में फिर कोई नहीं देखता है आप क्या कर रहे हो। लेकिन जो बाहर गेट पे ही अगर आपका मोबाइल सबमिट कर देते हो तो फिर अंदर में जो है आप कुछ नहीं कर सकते हो, मतलब पिक्चर सब क्लिक नहीं कर सकते हो। और रामेश्वर टेम्पल काफ़ी बड़ा टेम्पल है, यहाँ पे जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पे है रामेश्वरम टेम्पल में। और यहाँ पे है जो अगर आप आते हो तो फिर कम से कम 2 घंटे का जो टाइम है वो लेके आना, क्योंकि यहाँ पे जो है लंबा लाइन रहता है। मैं भी मॉर्निंग टाइम में गया था, 6 बजे ही गया यहाँ से, फिर भी मुझे लग गए 2 घंटे वहाँ पे दर्शन करने में। और टेम्पल काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा टेम्पल है, आप यहाँ पे आओगे तो डेफिनेटली मतलब इन्जॉय करोगे टेम्पल को। और ये है 4 धाम में से एक धाम रामेश्वरम, तो मैंने ये धाम भी कंप्लीट कर लिया। और पूरी मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ, जब मैं उड़ीसा में था तो पूरी मेरा कंप्लीट हो गया, आज रामेश्वरम भी कंप्लीट हो गया। अब बचा 2 और धाम जो है द्वारका एंड बद्रीनाथ, तो देखते हैं वो कब कंप्लीट होता है। तो ये है अभी तक का अपडेट, तो चलिए चलते हैं यहाँ से फिर बाकी का प्लेसेस देखने के लिए। हेलो गाइज, तो अब मैं जा रहा हूँ धनुषकोडी, जो कि है यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास। तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ का इंडिया का लास्ट रोड। यहाँ पे जो है आज सुबह में भी बारिश हुआ है, मैं मंदिर जा रहा था तो वहाँ पे बस 5 मिनट लेट हो गया, तो उस रीजन से 5 मिनट में पूरा बारिश हो गया, तो मैं पूरा भीग गया बारिश में ही मंदिर में इंटर करने से पहले। यहाँ पे कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। मंदिर का रास्ता एकदम सिंपल है, जैसे ही आप पंबन ब्रिज पार करोगे वो एकदम सीधा रास्ता आपको डायरेक्ट मंदिर के पास में ही जाता है। तो मंदिर पे जाने के लिए ज़्यादा कहीं पे टर्न नहीं लेना है, तो एकदम सीधा रास्ता आपको मंदिर के पास ही ले जाएगा। धनुषकोडी में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, जो कि वहाँ पे जो है वहाँ का जो विलेज था उसे अभी वो पूरा एक साइक्लोन में ख़त्म हो गया, तो उस रीजन से जो है उसे अभी भूतहा प्लेस घोषित कर दिया गया है, तो वो भी प्लेस देखेंगे। यहाँ पे जो है आपका जो बस है वो भी जाता है, उसका किराया क्या है पता नहीं, बट जो गवर्नमेंट बस है उसके थ्रू भी आप यहाँ पे जा सकते हो। मैं जब रामेश्वरम मंदिर में गया था तो वहाँ पे जो है एंट्री फ्री है, बट वहाँ पे जो है बहुत सारे छोटे छोटे से कुंड है जहाँ पे आप नहा सकते हो, और पूरा कुंड में नहाने के बाद वहाँ पे जो है फिर ड्रेसिंग रूम भी है जहाँ पे आप अपना कपड़ा जो है चेंज कर सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारे कुंड है, सब वहाँ पे जो है बाल्टी से पानी निकालते हैं एक कुंड से और सबके सर पे डालते हैं, मतलब सबको नहलाते हैं वहाँ पे। तो ये यहाँ का एक अच्छा बात है, ये कुछ नया चीज़ है यहाँ पे रामेश्वरम टेम्पल में,
और यहाँ पे जो है मोबाइल का और जो चप्पल जूता रखने का जो चार्ज है, जहाँ पे आप रखोगे उसका चार्ज ओनली 10 रुपीज़ है। तो ये भी एक काफ़ी सस्ता है। जो वहाँ पे मंदिर है उसके पास का ही जो रोड है वो थोड़ा सा ख़राब है, मार्केट का रोड, बाकी सारा रोड काफ़ी अच्छा है। यहाँ से जो धनुष कोड़ी का डिस्टेंस है वो है ओनली 15 किलोमीटर। लेट्स हैव ए फन देयर। यहीं से जो है पूरा पानी का व्यू स्टार्ट हो गया। क्या मस्त लग रहा है ये पूरा देखने में, लगता है एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं। दोनों साइड से पानी है और बीच में जो है ये बस रोड है। कि यहाँ पे किस टाइम से पूरा समुंदर है। इस सर में कोई टेंपल है तो मे भी उधर से आने के टाइम में ये सब देखेंगे, देखते हुए जाएंगे। यहाँ पे भी ऊँटी जैसा सीन है, यहाँ पे पेड़ सब है, इसके बीच में जाके फोटोग्राफी कर सकते हैं। अरे क्या मस्त यहाँ पे जो है समुद्र दिख रहा है। वहाँ पे दूर मुझे ग्रीन समुद्र दिख रहा है। समुद्र का जो कलर है वो हल्का हल्का सा ग्रीन टाइप का है। एक नंबर लग रहा है देखने में, लग रहा है जैसे पूरा जो होता है ना शैडो इफेक्ट। वहाँ पे बहुत दूर जाके पूरा शैडो इफेक्ट दिख रहा है समुद्र में। दिस इज ब्यूटी ऑफ इंडिया। यहाँ से अब जो है पूरा सैंड स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे कुछ सैंड गाड़ी चला सकते हो। देखो कितने काले बादल छाए हुए हैं आसमान में, कभी भी बरस सकते हैं। यहाँ पे जो है ये सब आई थिंक जो झुग्गी झोपड़िया है, ये सब फिशरमैन का जो है झुग्गी झोपड़ी उसका लग रहा है। दिस इज रियली अमेजिंग ट्रिप। लग रहा है जैसे वहाँ पे बारिश हो रहा है। ओ माय गॉड, बारिश स्टार्ट हो गया। कहीं पर रुकना पड़ेगा। बारिश यहाँ पे अजीब है, बहुत दूर दूर से पता चल जाता है बारिश स्टार्ट हो गया है। हम बारिश छूटेगा तो फिर आगे जाएंगे। मेक सम नॉइज। अरे क्या समुद्र का कलर है यहाँ पे, फुल टू ग्रीन। सुना था नीला समुद्र होता है बट यहाँ पे ग्रीन समुद्र है। बस 5 मिनट ही बारिश हुआ और फिर बारिश छूट गया। जी अभी का आसमान कैसा हो गया। फिर लग रहा है लाइट हाउस है। ये है इंडिया का लास्ट रोड, धनुषकोडी। देखो यहाँ पे समुद्री पक्षी कैसे उड़ रहे हैं। पूरा ग्रीन समुद्र है यहाँ पे। इस साइड के जो समुद्र है उसमें लहर है बट इस साइड के जो पानी है उस वो पूरा एकदम शांत पानी है, शांत। ये पहुंच गया मैं इंडिया का लास्ट रोड, धनुष
कोड़ी। बैकग्राउंड में पूरा समुद्र है जिसका अलग अलग कलर है यहाँ पे। यहाँ पर जो है एक अशोक स्तंभ का मूर्ति बनाया गया है यहाँ पे है, और इसके चारों साइड में बस समुद्र ही समुद्र है। यहाँ पे बहुत ही तेज हवा चल रहा है और मस्त हवा चला, एकदम ठंडा ठंडा हवा। तो ये है धनुषकोटि। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ वापस अपने रूम पे। रास्ते में कुछ होगा फोटोग्राफी एंड ऑल। यहाँ का जो व्यू है वो देखते ही बनता है, मतलब एक बार देखना तो बनता है। क्या मस्त व्यू है यहाँ का धनुषकोटि का। ये जो रामेश्वरम है ये पंबन आइलैंड पे बसा हुआ है। पंबन ब्रिज है वो मंडपम, जो मेन लैंड है उसको पंबन आइलैंड से कनेक्ट करता है। यहाँ पे जो है मस्त व्यू है। मैं जाता हूँ उधर कुछ पिक्चर सब क्लिक करके आता हूँ समुद्र में से। देखो धनुषकोटि का रास्ते का व्यू कितना मस्त है यहाँ पे। ये पूरा बालू और यहाँ पे हल्के हल्के से घास निकले हुए हैं, और उस साइड में जो है समुद्र है जिसका कि कलर अनोखा कलर है इस समुद्र का। तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स सब लिए, कुछ वीडियोज बनाए। आई थिंक अच्छा ही बना वीडियो। मैं वो सारा वीडियो डालूँगा अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे अगर आप आना चाहते हो तो बेटर टाइमिंग है आने का, आप मॉर्निंग में आओ, उस टाइम में धूप कम रहता है। और आप पूरा जो प्लेस है ये धनुषकोटि इसको पूरा एंजॉय कर सकते हो। तो आई थिंक जैसे जैसे दिन चढ़ेगा उस टाइप से जो धूप है वो भी इंक्रीज होगा, और यहाँ पे जो गर्मी है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा जो है सैंड वाला इलाका है। तो धूप से पूरा सैंड गर्म हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे खाने के लिए बुला रहे हैं, मैं सोच रहा हूँ यहीं पे
खा के फिर आगे जाऊं। किधर खाना है पता नहीं, सब अपने अपने होटल में बुला रहे हैं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलो यहीं पे खाते हैं फिर जाते हैं आगे, यहाँ का भी खाने का एंजॉय लेते हैं कैसा खाना है एंड ऑल। चलो यहाँ पे रुका हूँ खाने के लिए, अब जाता हूँ और खाता हूँ खाना। चलो यहाँ पे जो धनुषकोटी है वहाँ पे मैंने खाना ऑर्डर दिया है, यहाँ पे फिश और चावल मिलते हैं तो वही खाते हैं और देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है, कितना टेस्टी है, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे फ्रेश फिश मिलेंगे, एकदम गर्मा गर्म चावल जिसमें से अभी भाप निकल रहा है। देखो ये है यहाँ का खाना, फिश चावल और कड़ी, तो खाते हैं और देखते हैं कैसा है। आज का लंच यही है मेरा और अब मैं जा रहा हूँ अपने नेक्स्ट मंजिल की ओर, जो कि है हनुमान टेंपल, जहाँ पे मिलेंगे पंचमुखी हनुमान जी और वहाँ पे फ्लोटिंग स्टोन। यहाँ पे जो है मोबाइल का नेटवर्क नहीं था तो इसलिए मुझे नहीं पता वो यहाँ से कौन सा साइड में है और कहाँ है। आई थिंक यही है रूइन ऑफ धनुषकोटी। तो ये है यहाँ का पुराना रेलवे स्टेशन जो कि 1964 के साइक्लोन में पूरा उड़ गया और बस यहाँ पे जो पिलर है वो सब बस बचा हुआ है। देखो ये यहाँ का रेलवे ट्रैक जो कि साइक्लोन में ख़त्म हो गया, बस ट्रैक बचा हुआ है, पटरी यहाँ पे। ये अच्छा रेलवे पानी टैंक, अच्छा। और वो है वहाँ पे रेलवे प्लेटफॉर्म। देखो ये है यहाँ का रेलवे प्लेटफॉर्म, जो पहले जो ट्रेन था वो यहाँ तक आती थी 1964 से पहले, क्योंकि 1964 में साइक्लोन आया और यहाँ का जो पूरा ट्रेन का पटरी था और जो प्लेटफॉर्म था और जो भी कुछ था सारा कुछ ख़त्म हो गया साइक्लोन में। यही है रूइन ऑफ धनुषकोटी। अभी बस यहाँ पे दो तीन दीवार बचा हुआ है और कुछ भी नहीं है, तो चलो चलते हैं। आप यहाँ पर कुछ टेंपल भी बनाए गए हैं, वहाँ पे जो है एक टेंपल है, एक वहाँ पे टेंपल है और एक टेंपल वहाँ पे बनाए गए हैं सामने, वो जो बड़ा सा दीवार दिख रहा है उसके नीचे में एक टेंपल है छोटा सा ही, जो घर है सब कैसे बनाते हैं, वहाँ पे सामने एक घर बना रहे हैं। देखो कितना अच्छा टेंपल है, देखो यहाँ पे मोर पूरा टहल रहे हैं रोड पे ऐसे ही। रूइन ऑफ धनुषकोटी रेलवे स्टेशन, यहाँ पे एक ज़माने में अच्छा खासा कॉलोनी हुआ करता था जो कि सब ख़त्म हो गया, साइक्लोन ने सब ख़त्म कर दिया। मस्त प्लेस है ये वाला, एक बार लाइफ में देखना तो बनता है इसको भी।